أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم मेरे सारे दोस्तों को मेरे भ्रावों को मेरी भैनों को मेरी तरफ बहुत बहुत सलाम कबूल होवे। उम्मीद है सारे खैर खैरियत नाल हो। सो अल्लाह पाक तुम सारे को अपने हिफ्ज़ ईमान में रहे। तो मेरे दोस्तों मेरी भैनों, जिस तरह के तुसों को मालूम है कि मैं सब्जियां दे बारे में वीडियो अपलोड करता रहना वक्तन फक्तन, तो मैं छत जिहड़ियां सब्जियां ऑलरेडी उगाई दें और काफ़ी सारे फुल भी उगाए दें, उसके बारे में अज तुसों को मजीद दसना कि उनकी कितनी ग्रोथ हो गई है, कितने बड़े हो गए हैं और किस पोजीशन बिच हैं। तो चलो आओ मेरे नाल, मैं तुसों को दसदा। हाँ, इस तरफ देखो, इस तरफ में मिर्चें उगाई ऐसा, और ये मिर्चें तुम देख रहे हो कि कितनी बड़ी हो गई हैं, माशाल्लाह नाल काफ़ी बड़िया बड़िया हो गई मिर्चा, और मजीद काफ़ी सारे फुल इन्हें तो लगे दिए हैं। ये भी तुम को नज़र आ रही वीडियो पे, इस नाले बड़े बड़े पत्ते आ रही हैं चाइना मिर्च हैं। इन्हें फिलहाल फल नहीं किया था, एक कुछ टाइम तो बाद ही फल कैंसन, लेकिन इन दिन छोटे छोटे फुल दे डोडे बन गए हैं ना। तो इस तरफ भी मजीद तुसों को मिर्चा दसदा, इस तरफ भी मिर्चा देखो ना, इन्हें नाल भी मिर्चा छोटी छोटी लगी दी हैं, और ये पौधा तो माशाल्लाह ना इस नाल भी काफ़ी सारे फल लगे थे अंदर की तरफ छोटे छोटे, ये मजीद आस्ते आस्ते बड़ी हो रही हैं। तो मेरे दोस्तों मेरी भैन, इस तरफ देखो, इस तरफ मैं कद्दू के बीज उगाए दे, कद्दू ने पहला काफ़ी माशाल्लाह बड़िया बड़िया हो गई, और इनकी सपोर्ट जो कि मैं लकड़ियाँ काफ़ी सारी टैंगर उनके डालियाँ वगैरह काट के रखी दी हैं, और इन्हें नाल कद्दू लगने शुरू हो गए, तो काफ़ी बड़ी मकदार में नवे कद्दू लग रहे हैं। ये देखो इस तरफ देखो, इस तरफ देखो बहुत ज़्यादा मकदार में कद्दू दे छोटे छोटे इन दे फल इनको हाँ यानी सब्जियां जो हैं इन दिनों जो कद्दू होने हैं और उगने शुरू हो गए हैं। उम्मीद है जल्दी बड़े भी, और इनकी बिलों आस्ते के बिलों को सपोर्ट किस तरफ मिले, इनकी सपोर्ट आस्ते ये तुम देख रहे हो कि काफ़ी सारे मेन जगह जी ये टैंगर ये लकड़ियाँ झाड़ियाँ ये रखी दी हैं कि इनकी मदद नाल एक ऊपर बीम तक पहुँच जुलें और उदो आसानी नाल ज़्यादा से ज़्यादा फैलन। इस तरह पानी की टैंकी ऐसी इस टैंकी को बिस्ते अगे रहे ताकि इस उत्तर भी इनका फैलाव होता रहे। अच्छा, इस तरफ अस इस छत उत्ते गमले भी खीरे की बेरो बीज उगाए दें, इस खीरे जो मार्केट पे हर जगह दस्तियाब होने वो हैं, और इस तरफ कद्दू है, इस तरफ ये कद्दू तो छोटे जहाँ तुम दाना एक देखते हो, और इस नाल जो खीरे हैं उन्होंने भी छोटे छोटे फल लगने शुरू हो गए हैं। उस मैं तुम्हें दसदा, ये देखो एक खीरे दे छोटे छोटे खीरे इस नाल लगना शुरू हो गए हैं, और कुछ दिन भी पौधे लगे हुए हैं, और कुछ छोटे छोटे हैं, कुछ थोड़े बड़े हो गए हैं, और कुछ फूल वगैरह लगे दिन। उम्मीद है कि दिन ब दिन मजीद इन्हों लगते रहे सन, और जिस हद तक इनकी केयर हुई तो केयर असी कर सा। तो मेरे दोस्तों मेरे भैनों, थोड़ी जी मेहनत के नाल अल्लाह पाक काफ़ी ज़्यादा फल देने, इंसान थोड़ी जी मेहनत करे तो उसका फल बहुत ही ज़्यादा मिलते। इस तरह में बीज उगाए थे ऐसे गेवा कंडोली जिसको अपनी जबान भी जैसी आते हैं, लेकिन ये बीज किस कुछ और तरह जो उगे हैं, मेरा ख्याल है जिसको असी चरौंडे, जिनको असं अपनी जान चरौंडे आखते हैं, ये मुको वो नज़र आ रहे हैं, वो निकल आए हैं मैं जब कंडोली के बाद बीज आदि से, लेकिन ये चीज़ उगी है। तो इस नाल टच जो देखो ये डेबे बिच ये कद्दू का बीज, इस बीच भी कद्दू का दाना बन गया है, और मजीद भी बनते जुलते हैं। और इस तरफ देखो, इस तरफ खीरे के बीज बीज हैं, काफ़ी सारे मजीद फुल भी उग रहे हैं। तो दोस्तों सो मजीद भी दस्त में काफ़ी ज़्यादा मकदार अपनी छत के उत्ते
बीज वगैरह उगाया से ताकि इन वीडियो अपने दोस्तों नाल अपनी भैन शेयर करते रहा कि जिस किसी को भी जितनी जगह है और कोई भी घर इस्तेमाल की चीज़ इस तरह तुम को अवेलेबल है, कोई डिब्बा है, कुछ टीन वगैरह है, तो उस पर तुम अपनी छत तो उनकी हेल्प में काफ़ी ज़्यादा अपने घर के इस्तेमाल की सब्जी हासिल कर सकते हो। इस तरह फ्रैश बीन फलियां उगाई दी भाई तुम देख रहे हो कि असों को कैन ऐसे प्लास्टिक दे उन्होंने कैनों को कट के उन्हें भी उगाई दी और यह भी काफ़ी सारिया बननिया शुरू हो गई। ये तुम को मैं स्क्रीन नज़दीक करके दिखाना ताकि तुम को अच्छी तरह यकीन हो जाए कि इस भरा झूठ नहीं बोल रहा, सच आ रहे कि किस तरह कितनी मकदार में फलियाँ उग रही हैं। एक तुम को मैं मोबाइल घुमा घुमा के दस रहे हैं ताकि तुम तसली नाल देखो और तुझे अंदर शौक पैदा हो और तुम अपने भैनों को भरावों को दोस्तों को भी यह मशवरा देते रहो ताकि इस तरह उनके घर की सब्जी वगैरह पूरी होती रहे सी और एक खूबसूरती की खूबसूरती भी उसी। ये जो कैन है इस बीच भी चरौंडे लगे दे और जो चरौंडे इन्हें अभी तक ना ही फल कह दे और ना ही फिलहाल इन्हों कोई फुल वगैरह खिले हैं, शायद कि लैट थोड़ा लैट इन्हों फल लग सी भी जोड़े हैं फ्रैश बीन हैं और इस नाल जो फलियां वो काफ़ी हद तक मोटी होना शुरू हो गई हैं। और ये एक कैन के उत्ते जिस वक्त फलियां तोड़सा तो उम्मीद है एक टाइम तो सालन बसानी पक चुलसी और जरूर घर दी एक टाइम दे तोड़ने पूरी हो चुलसी एक दफ़ा तोड़े दे इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर दोबारा हफ्ते दस दिन तो बाद दोबारा भी तैयार हो जुलसन और तुसी इस तरह भी कर सकते हो कि एक दिन बिच एक जगह तो फलियां तोड़िया और दूसरे दो दिन तो बाद तीन दिन तो बाद दूसरी जगह तुसी फलियां तोड़ सकते हो। और इस तरह मोहम्मद अहमद मुसलसल अपने पौधों को पानी दे रहे हैं ताकि खुशक ना होवे मुसलसल बर वक्त इन्हों को पानी मिलता रहे वो असली कोशिश होंगी सुबह शाम इन्हों को असं पानी देते रहें। बैक साइड के उत्ते एक तोरी भी अस्ती कामयाब हुई है तोरियां लाइया काफ़ी सारिया सी लेकिन ज़्यादा बीज तो नहीं हो गए एक ही बेले असों को और उस भी फल लिया शुरू किए थे और उस फल दसता हाँ इस तरफ तुम देख रहे हो ये तोरी जी है माशाल्लाह नाल काफ़ी हद तक बड़ी भी हो गई है और मजीद भी फुल इसके नाल लगे दिए जबकि इस तरफ असा अब रोह बिच एक लाइन भी मुख्तलिफ किस्म के फुल लाए से और तुम को फुल पहले ही मुतारफ कराया से मैं और ये फुल काफ़ी हद तक खिलने शुरू हो गए और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तुम ना ही सिर्फ सब्जियों उगा के छत होते हैं बल्कि वक्तन फ़क्तन एक जितनी भी डालडे दे आयल दे खाली डिब्बे होने इन्होंने डब्बे को इस्तेमाल भी ला के इन्होंने फुल भी लागते हो। इस डिब्बे भी ऐसे गया वा कंडोली लाई दी है और ये भी इंशाल्लाह बिल बढ़ा रही है और जल्द ही इसकी बिल भी इस छत होते पर्दी होते चढ़ जाती। इस तरफ भी मिर्चें लगाई दी इस तरफ ये कद्दू की बेल है और इस तरफ तुम देख रहे हो मुख्तलिफ फूलदार पौधे भी हैं और इस तो अलावा सदाबहार किस्म के पौधे भी खूबसूरत जो कि लाए दें। इस जगह तो असं काफ़ी सारिया जंगली गुलाब की बिलें लाई दी और इन्हों बिलों को असं इस कारण लाए एक तो बड़ी खूबसूरत लगती हैं काफ़ी सारिया फैलना भी बहुत तेजी नाल इनकी ग्रोथ होंगी है। दूसरा इन्हों से असों को यह मदद हासिल हो सी कि इन बिलों तो शहद दिया मक्खियाँ शहद इकट्ठा कर दी और असं शहद मक्खियाँ भी पाली दी हैं जिन्हें वीडियो भी तुम असं वक्तन फ़क्तन शेयर करते रहने और इंशाल्लाह कुछ टाइम तो बाद शहद की वीडियो असं मजीद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सा कि किस तरह से इन्होंने तो देसी शहद हासिल कर रहे हैं। दोस्तों छत दूसरी तरफ असं आ गए और इस तरफ तुम देख रहे हो ये पौधे तुम नज़र आ रहे हैं इस पौधे को असं अपनी जबान में एलोवेरा आते हैं और बहुत ज़्यादा दवाइया भी इस्तेमाल होते और मैं खुद काफ़ी सारी दवाइयाँ असं बढ़ा के अपने जाती इस्तेमाल जो कि बढ़ाना और इस्तेमाल करना इस तरह एलोवेरा
और गुलदपैर के पौधे लगे दे हैं। गुलदपैर बहुत ही खूबसूरत किस्म के पौधे, छोटे छोटे फूल होने ना बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इस तरफ भी तुम देख सकते हो कि गुलाब दिया बिलों और पौधे लाए दें। असं अपनी छत से मजीद तुम को मेरे दोस्तों मेरी भेनों विजिट करा रहे हैं कि इस तरफ तुम देखो कि कंडोली गेवा की बिल काफ़ी बड़ी हो रही है। और इसके अगे अस चाइना मिर्चें उनकी ग्रोथ भी काफ़ी होगी है, लेकिन इन्होंने फिलहाल किसी किस्म की मिर्च या फुल वगैरह फिलहाल नहीं लगे। इस तरह सतबरगा अपनी जबान में जिसको आते हैं ये फुल लाए दें और ये भी खिल सन तो बहुत ही खूबसूरत लग सन। और वक्तन फवक्तन असी अपनी वीडियो तो हम दोस्तों भावों शेयर करते रहे स। इस वक्त मैं तुम मजीद अपने पौधे और सब्जियां दिखा रहे हैं ताकि तुम इलम हो जाए कि किस जगह पर मैं सब्जियां लगाई दी हैं और मेरा कितना शौक है। और तुम जो जिस दोस्तों जिस भैनों को भी शौक रहे थे उनको मशवरा कह भी रखते हैं, मजीद मशवरा दे भी रखते हैं। और जिस कुछ भी नहीं लाए दा उनको चाहिए कि वह भी कुछ ना कुछ जरूर लावें, चाहे वह पौधे लगाने हैं, चाहे सब्जियां लगाने हैं या फूल लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और नए आने वाले दोस्तों नाल भैनों नाल मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को अपने बाकी दोस्तों भैनों भरावों नाल शेयर करें ताकि तुम सारे को फायदा हासिल होंदे रहे। आंदे वीडियो तक तुम को इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।